Good morning, 10th class. A very cheerful good morning to all. Today we will start an important topic, that is three-tier judicial machinery. Under CPA, you know that we have more rights. At least 6 rights are provided under the CPA. Many remedies are provided. तो बेटे लीगली भी हमें कई तरह के बेसिकली क्या किया गया है, लीगली भी हमें कई तरह से प्रोटेक्ट किया गया है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म को हम लोग फॉर्मुलेट कर, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फैसले सुन सकते हैं, ठीक है ना, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं स्टेट लेवल पर भी और लास्ट लेवल टू नेशनल लेवल पर भी. इसी को ही बेटे हम लोग कहते हैं थ्री टायर जुडिशियल मशीनरी. अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के बारे में. बच्चों डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या है? अकॉर्डिंग टू सीपीए स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट वन और मोर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इन ईच डिस्ट्रिक्ट. देखो बेटे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है वो क्या कर सकती है, जिला स्तर पर एक या उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म को क्या कर सकती है, सेटअप कर सकती है. उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या विशेषताएं होंगी इसके अंदर. फर्स्ट वन, देयर विल बी 3 मेंबर्स. ओके, देखो बेटे इसके अंदर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर 3 मेंबर होंगे. फर्स्ट होगा बेटे हमारा यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, मुख्य अधिकारी जो कि ग्रुप लीडर की भूमिका निभाएगा. ठीक है बच्चों, सेकंड है बच्चों यहाँ पर कंडीशन, वन लेडी मेंबर मस्ट बी द मेंबर. यानी कि मैंने कहा ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर. एक होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुख्य अधिकारी जो कहीं ना कहीं ग्रुप लीडर होगा. सेकंड बेटा लेडी मेंबर का होना भी जरूरी है, ठीक है. और इसको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, जो बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इट मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, अपॉइंट करेगी. एंड द क्वालिफिकेशन, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसकी क्वालिफिकेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ठीक है ना बच्चों, ये विशेषताएं हैं. 3 मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन अ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म. वन इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज आल्सो द क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट जज. वन लेडी मेंबर मस्ट बी इंक्लूडेड इन अ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म. सेकेंड है बच्चों हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो कंप्लीट सुनेगा वो कितने तक के सुनेगा बच्चों, अप टू 20 लाख, 20 लाख तक के ऊपर के मामलों की सुनवाई कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करेगा. थर्ड है बच्चों हमारा कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय द कंज्यूमर. एक अकेला कंज्यूमर भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है बच्चों, और कंज्यूमर के बिहाफ पर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर इज नॉन एज कंज्यूमर एसोसिएशन. कंज्यूमर एसोसिएशन भी क्या कर सकती है, कंज्यूमर की हेल्प करने के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकती है. नेक्स्ट है बच्चों हमारा वन कंप्लेंट इज एडमिटेड. एक बार कंप्लेंट अगर आप करा दोगे ना तो नोटिस बेटे दूसरी पार्टी है उसको भेज दिया जाएगा. अब बेटे जब नोटिस को भेज दिया जाएगा तो क्या होगा बेटे, प्रोडक्ट को आपको प्रूफ करना होगा कि प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्टिव है या नहीं है. इसके लिए बेटे आपको अपनी अवेयरनेस को ध्यान में रखना है, कैश मेमो आपके पास होना चाहिए, गारंटी वारंटी कार्ड होना चाहिए जो आपको पर बेसिकली डिसाइड करके बता सके कि आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसी दुकान से खरीदा है. तो देखो बेटे नेक्स्ट क्या होगा, पार्सी को नोटिस भेज दिया है. वन बुक्स फाइंड डिफेक्टिव. अगर मान लो बेटा एक बार इस बात का प्रूफ हो जाता है कि आपका गुड्स क्या है डिफेक्टिव है, तो जो फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है वो क्या कर सकती है बेटे, कई तरह के करेक्शन प्रोवाइड कर सकती है. क्या क्या करेक्शन प्रोवाइड करेगी आपने इसके रूप में, क्या क्या जाए, फर्स्ट वन रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट को रिमूव कर दिया जाए. सेकेंड है बच्चों हमारा रिप्लेसमेंट, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दे. थर्ड है प्राइस को रिफंड कर दे. और फोर्थ है बच्चों अगर मान लो प्रोडक्ट को यूज करने से कोई भी कॉम्पनसेशन हुआ है तो कॉम्पनसेशन भी पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट बेटे लास्ट क्या होगा, इतना सब होने के बाद भी बेटा जो डिसीजन दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के थ्रू, मान लो कोई भी पार्टी इससे सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज वो क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ पर अपना केस अगेन फाइल कर सकते हैं. देखो इफ नाइदर पार्टी सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इट कैन फाइल केस अगेंस्ट अगेंस्ट विद स्टेट कमीशन विद इन 30 डेज. अगर मान लो बेटा पीरियड लैप्स हो जाएगा तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको 30 डेज के अंदर ही कंप्लेंट क्या करनी होगी, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट फॉर्म के अंदर फाइल करनी पड़ेगी. और बाद में अगर आप स्टेट कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसके मामले को नेशनल कमीशन के अंदर भी चैलेंज कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे बेटा स्टेट कमीशन के बारे में. अब हम बात करते हैं थ्री टायर जुडिशियल मशीनरी में स्टेट फॉर्म के बारे में. स्टेट फॉर्म क्या है बेटे, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के मामले से वो डिससेटिस्फाई जाते हैं डिसीजन से जजमेंट से, अगर वो पूरी तरह से कोई भी पार्टी डिससेटिस्फाई होती है तो उसके लिए बेटा वो स्टेट फॉर्म के अंदर कंप्लेन कर सकती है. अब देखो बेटे वन स्टेट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच स्टेट. हर एक स्टेट के अंदर बेटे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है,
करती है, स्टेट फॉर्म को सेटअप करती है। इसके फीचर्स क्या है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म, इसके अंदर इलेक्टेड क्या होनी चाहिए? थ्री मेंबर्स होने चाहिए, वन प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड लेडी मेंबर मस्ट बी इंक्लूडेड। देखो बेटे, स्टेट फॉर्म के अंदर तीन मेंबर का होना जरूरी है। फर्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके बाद है बेटे हमारा यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाद हम बात कर रहे हैं कि एक लेडी मेंबर का होना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और उसकी जो क्वालिफिकेशन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट, जो हमारी स्टेट फॉर्म है बेटे वो क्या करेगी? स्टेट फॉर्म हियर्स डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग सम ऑफ एक्सीडिंग 20 लाख से लेकर 1 करोड़ से पहले तक के मामले कौन सुनेगा बेटे? हमारा स्टेट फॉर्म सुनेगा। नेक्स्ट है कंप्लेंट कैन बी फाइल, कंप्लेंट कोई भी फाइल कर सकता है, कंज्यूमर भी कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन भी कर सकता है। वंस कंप्लेंट इज एडमिटेड देन इंफॉर्मेशन विल गिव टू द अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी को हम लोग क्या दे देते हैं बेटा? इन्फॉर्मेशन से देते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे वन गुड, मान लो बेटा पता चलता है कि बेसिकली गुड्स क्या है? डिफेक्टिव है, तो नो डाउट बेटे फॉर्म क्या कर सकती है? कोई भी डिसीजन दे सकती है। वो डिसीजन क्या हो सकता है? रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, रिफंड ऑफ प्राइस, इन नेक्स्ट वन है बच्चों कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस। अब देखो बेटे, इफ नाइदर पार्टी, मान लो बेटे जो हमारे स्टेट फॉर्म ने डिसीजन दिया उसके अंदर बेटे जो हमारी स्टेट फॉर्म है उसके डिसीजन से कोई भी पार्टी बेटा सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो 30 डेज के अंदर क्या कर सकती है? हर तरह से 30 डेज में कंप्लेंट फाइल कर सकती है। कहाँ पर? नेशनल कमीशन में। और नेशनल लेवल पर बेटा जो नेशनल कमीशन काम कर रही है वो क्या करेगी? उस कंप्लेंट को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। अब देखो बेटे, मान लो कोई भी पार्टी डिसेटिस्फाई रहती है तो थर्ड टैक्स रिवीजन मशीनरी का किसको जाता है बेटे? नेशनल कमीशन में। अब देखो बेटे, जो हमारी नेशनल कमीशन है बेटे उसके अंदर होता क्या है बेटे? देखो उसकी भी अपनी फीचर्स हैं नेशनल लेवल पर। उसको कौन सेटअप करेगा बेटे? हमारी स्टेट गवर्नमेंट, अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी बच्चे कि कैसे बेसिकली जो हमारा नेशनल कमीशन है वो वर्किंग करेगा। बेटे अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल कमीशन के बारे में। नेशनल कमीशन क्या है बेटे? देखो बेटे, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोई भी पार्टी डिसर्टिफाई होती है तो वो कंप्लीट कहाँ करती है? स्टेट लेवल पर करती है। और जो स्टेट लेवल पर स्टेट फॉर्म से डिसर्टिफाई होगी पार्टी वो कंप्लीट कहाँ करेगी बच्चों? नेशनल लेवल पर। देखो बेटे, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन इस्टेब्लिशमेंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। उसके बाद बेटे, जबकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है और हमारी जो स्टेट फॉर्म है वहाँ उनकी इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ओके। अब बात करते हैं इसके फीचर्स को लेकर। इट हैज़ 5 मेंबर्स। नेशनल कमीशन के अंदर 5 मेंबर होते हैं। फर्स्ट वही है बच्चों प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मुख्य अधिकारी जो कि ग्रुप है लीडर, जो बेसिकली क्या है इस पूरे ग्रुप का मेन लीडर है। नेक्स्ट है बच्चों, वन लेडी मेंबर मस्ट बी इंक्लूडेड। यहाँ पर बेटे नेशनल कमीशन में भी लेडी मेंबर को इंक्लूड करना क्या है? जरूरी है। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मतलब बेसिकली इसको कौन अपॉइंट करेगा? उसको अपॉइंट करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कैसे होनी चाहिए? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जो क्या होगा इसका? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, मुख्य अधिकारी होगा, ग्रुप लीडर की फॉर्म में होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कितनी कंप्लेंट वो सुन सकता है? सम एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा तक के मामले बेसिकली नेशनल कमीशन के अंदर उनकी सुनवाई की जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, वंस द कंप्लेंट इज एडमिटेड, एक बार अगर कंप्लेंट एडमिट हो जाएगी तो जो दूसरी एक्यूज पार्टी है या अदर पार्टी कह सकते हैं हम लोग इसको, उसको इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, बेसिकली जैसे स्टेट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर जो डिसीजन इश्यू किए कि अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट के केस में जो जो डिसीजन, रिमूवल द डिफेक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, रिफंड ऑफ प्राइस, प्रोवाइड कॉम्पनसेशन, वही सब के सब डिसीजन एज इट इज नेशनल कमीशन में भी अप्लाई हो जाएंगे। देखो इसमें
like state commission, national commission can also issue one or more directives to the accused party. Okay, if any party is not satisfied with the decision of national commission, कई बार बेटे क्या होगा कि नेशनल कमीशन जो डिसीजन देगी उससे कोई भी पार्टी दोनों में से जिसने कंप्लेंट की है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो बेटा वो क्या कर सकते हैं, विद इन 30 डेज वो अपना केस कहाँ अपील कर सकते हैं, केस कहाँ फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में. बेटे इस वीडियो के अंदर इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको 3 टायर जुडिशियल मशीनरी के बारे में पता चले कैसे कैसे वर्किंग करती हैं. और नो डाउट आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का चैप्टर समझाना सिर्फ यही नहीं है कि आपके बेसिकली बिजनेस स्टडी का एक टॉपिक है, आप इसको प्रैक्टिकली भी लोगों को इस CPA के चैप्टर के थ्रू अवेयर कर सकते हैं ताकि बेसिकली लोगों के अंदर अवेयरनेस आए. और एक्चुअल में ये चैप्टर बन के नहीं रहे, ये अवेयरनेस आप लोगों के थ्रू लोगों तक पहुँचे, लोग इसको समझें कि कैसे इसको प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो बेटा ये 3 टायर जुडिशियल मशीनरी नो डाउट कंज्यूमर को हर तरह से उसके हर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है. और अगर पार्टी एक्यूज्ड है बेटे तो उसको पूरी तरह से उसके लिए उसको दूसरी पार्टी को जिसके साथ बुरा हुआ है या जिसको गलत प्रोडक्ट सेल किया गया है या डिफेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसको पूरी तरह से जस्टिफिकेशन को पूरी तरह से न्याय मिले. बेटे इस टॉपिक को तैयार कीजिए और इसमें डिफरेंट शेप तो जरूर कीजिए कि स्टेट लेवल पर क्या है, सेंट्रल बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज के अकॉर्डिंग लीजिए. और स्टेट लेवल पर आप मुझे बताइए वीडियो देखने के बाद कि स्टेट लेवल पर अगर उसको काम करना है स्टेट फॉर्म के अंदर उसको मेन प्रिसाइडिंग ऑफिस होना चाहिए तो उसकी बेसिकली क्वालिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.